भाई पीछे किसकी बाजू बाहर आ रहा है, बाजू अंदर कर ले अपनी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। अगर मैं आज के ब्लॉग की बात करूं तो आज के ब्लॉग में हम जलंधर से लेकर पठानकोट तक का ट्रैवल करने वाले। मैंने इससे पहले भी ट्रैवल किया है। आज की जर्नी को हम बाई बस कवर करने वाले। 125 किलोमीटर के समथिंग हमारी कुछ आज की जर्नी रहने वाली है। अगर टाइम इंटरवल की बात करूँ तो 2 to 3 आवर्स का हमें टाइम जर्नी कवर करने के लिए लग सकता। अगर मैं आज के रूट की बात करूं तो टांडा दसुआ मुकेरियां होते हुए आज हम जाएंगे पठानकोट के लिए। अगर हाईवे की बात करूं तो कन्याकुमारी कश्मीर हाईवे पे आज हमारी जर्नी रहने वाली है, यानी NH 44 पे आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो ठीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं जल्दी से बस स्टैंड, क्योंकि मैं इस टाइम पर भी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और ब्लॉक की स्टार्टिंग को मैंने यहीं से की, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और काफ़ी ज़्यादा शोर होता है और आवाज़ भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाती। ठीक है, मैं यहाँ चलता हूँ जल्दी से बस स्टैंड और अपनी बस को करते हैं पिक और देन कर देते हैं अपनी जर्नी को वहीं से शुरू। और दोस्तों इसी के साथ हमारी जर्नी की शुरुआत भी हो चुकी है। और अगर मैं बस की बात करूं तो हरियाणा रोडवेज यानी सड़क के जहाज आज हम इस बस में ट्रैवल करने वाले हैं। हमारी बस काउंटर नंबर 15 पे लगी है। और अगर बस के रूट की बात करूं तो ये बस दिल्ली से चली है और जम्मू में जाके बस खत्म हो जाएगी, यानी दिल्ली जम्मू कुछ इस तरह से इस बस का रूट रहने वाला है। हमारी बस का जलंधर पहुंचने का टाइम था 1:50 और हमारी बस ऑन द टाइम यानी 1:50 पे जलंधर बस स्टैंड आ गई। अब यहाँ से हमारा 2:10 पे चलने का टाइम रहेगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कि मैं इस बस में पठानकोट बाईपास तक ही ट्रैवल करूंगा, क्योंकि जितनी भी रोडवेज की बस थी जम्मू या कटरा जाती है उसमें से कोई भी बस आपको पठानकोट बस स्टैंड नहीं लेके जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अब हमारी बस भी जलंधर बस स्टैंड से चलने को तैयार है। अगर मैं टाइम की बात करूँ 2:20 पे हमारी आउटर पर आ जाऊँगी और अब हम यहाँ से अपनी जर्नी को भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपसे बस स्टैंड से बस छूट जाए तो आप डायरेक्ट बाहर आकर भी बस को ले सकते हैं। यहाँ से 1-2 सवारियाँ लेने के बाद हम चल पड़ेंगे अपनी जर्नी। अगर स्टाफ की बात करूँ तो श्रीमान देवेंद्र जी आज इस बस में पायलट रहने वाले हैं और इनके साथ श्रीमान वेद प्रकाश जी आज इस बस में एक को पायलट यानी कंडक्टर रहने वाले हैं। यही आज हमारी जर्नी में पठानकोट तक हमारे साथ ही रहेंगे। अगर जलंधर से ब्लॉक की शुरुआत की हो तो इस PAP चौक को कौन नहीं बुला सकता। आज से कई साल पहले यहीं से ही पठानकोट जाने के लिए बसेस को रास्ता दे दिया जाता था, परंतु ट्रैफिक की वजह से इस रास्ते को भी बंद कर दिया। PAP चौक के बाद जस्ट हम पहुंच गए रामा मंडी, यहां से हम ले लेंगे राइट, क्योंकि जो लेफ्ट वाला रोड चला गया वो चला गया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। अभी हम यहाँ से भी 1-2 पैसेंजर्स लेंगे और फिर हम आगे की जर्नी के लिए कंटिन्यू हो जाएंगे। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम दिल्ली या लुधियाना से आए तो हमें पठानकोट जम्मू जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी। छोटी सी बात बता दूँ मैं आपको, तो आपको वहाँ जाने के लिए बस रामा मंडी से ही मिल जाएगी, आपको बस स्टैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ अगर मैं बस की मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो 85 to 80 इस स्पीड तक इस बस को मेंटेन यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। डाइवर्जन की बात करें तो राइट में रोड चला गया अमृतसर के लिए, जो कि फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगा। हम फ्लाईओवर के नीचे आ रहे हैं और यहां से टर्न ले लेंगे राइट, जो कि चला गया पठानकोट और जम्मू। इसी टर्न की मैं बात कर रहा था, यहाँ से हम ले लेंगे राइट और चल पड़ेंगे अपनी पठानकोट तक की जर्नी। Thank you.
भाई पीछे है किसकी बाजू बाहर आ रहा है, बाजू अंदर कर ले अपनी। किसी पैसेंजर ने अपनी बाजू बाहर की थी तो श्रीमान देवेंद्र इनको समझा रहे थे कि अपनी बाजू आप अंदर कर ले। लोकेशन की बात करूं तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं भोगपुर में। अब जितनी भी मार्केट देख रहे हैं ये सारी मार्केट भोगपुर की मार्केट। टाइम की बात करूं तो 3:05 अभी हो चुके हैं, यानी 40-45 मिनट्स की जर्नी अभी तक हमने कवर कर ली। भोगपुर के बस स्टैंड की बात करूं तो यहां पे कोई भी मेन बस स्टैंड नहीं है, रोड के जस्ट साथ ही आपको यहाँ से उतरना पड़ेगा और यहीं से आपको बस को पिक भी करना पड़ेगा। भोगपुर के जस्ट बाद ही हमें अपना फर्स्ट टोल देखने को मिला, जिस टोल का नाम था चोलांग टोल। अगर मैं जर्नी में टोल्स की बात करूं तो इस जर्नी में टोटल टोल्स रहने वाले हैं दो, एक अभी आ जाएगा और देन इसके बाद जो दूसरा रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा मुख्य एरिया के जस्ट बाद। और इसी के साथ चोलांग टोल पार करते ही हमारी मुलाकात हुई स्वराज एक्सप्रेस 12471 जो कि मुंबई बांद्रा टर्मिनल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जा रही थी। और ये ट्रेन आज लेट थी जिस अभी इसके बाद मैं लोकेशन की बात करूं तो इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं दसुआ के पास में। दसुआ दोस्तों आपने मेरे ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा बार देखा होगा क्योंकि जब हम चंडीगढ़ के लिए ट्रैवल कर रहे थे तब हम उस स्टेशन पे भी यहीं से ही डाइवर्ट हो गए थे। यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट में पड़ेगा बस स्टैंड, परंतु रोडवेज की बसें बस स्टैंड में कम ही जाती। यहां से पैसेंजर्स को पिक करके हम आगे के लिए भी कंटिन्यू हो चले। अगर मैं यहां से डाइवर्जन की बात करूं तो यहां से राइट में रोड चला गया तलवाड़ा के लिए जो कि पंजाब में पड़ता है और देन उसके बाद शुरू हो जाता है हिमाचल और पोंग डैम का व्यू। अभी हम पहुंच चुके हैं मुकेरियाँ बस स्टैंड से 300-400 मीटर थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ से डाइवर्जन चली जाती है गुरदासपुर के लिए, यानी अगर आपने यहाँ से अमृतसर भी जाना है तो आप इस रोड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सुबह में टाइम की बात करूँ तो 3:30 पे हम यहाँ बस स्टैंड के बाहर पहुँच गए। यहाँ से पैसेंजर्स को लेके हम अपनी जर्नी पर आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएंगे। और जो आप मेरे सामने व्यू देख रहे हैं ये व्यू है दसुआ के बस स्टैंड। बस के स्पीड की बात करूं तो 70 से लेके 80 तक की स्पीड हमें आज की पूरी जर्नी में देखने को मिली है। अब अगर लोकेशन की बात करूं तो इस टाइम पे हम मुकेरियाँ से आगे आ गए और यहां पे हमें देखने को मिला है सेकंड टोल जिसकी मैंने आपसे पहले भी बात की थी। टोल के प्राइस का तो मुझे पता नहीं, पर अगर कार में आओ तो 125 पर साइड का टोल यहाँ पर लगता है। और इसी के बाद हम यहाँ से लेने वाले हैं अपनी फूड ब्रेक। यहीं से राइट में एक ढाबा पड़ेगा, वहीं पे हम जाएंगे और जो अपनी लंच ब्रेक या फूड ब्रेक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो भाई लोग आप देख सकते हो, बैठो, इतना लंबा सफ़र करके मेरा भाई
डोगरा भाई आया है मेरा हिमाचल से, तो इतना लंबा सफ़र तय करके ये इतना अच्छा काम कर रहा है, हटके काम कर रहा है, इतनी अच्छी ब्लॉगिंग, मतलब ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में अभी तक आया नहीं था। मैं भी एक मोटो ब्लॉगर हूँ, मेरा नाम अदनान है, ठीक है। तो अभी तक मेरे दिमाग में कभी कंसेप्ट आया नहीं कि मैं बस ब्लॉगिंग, ट्रक ब्लॉगिंग ऐसा कुछ करूँ ये हैवी मोटरसाइकिल के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा सीन है। तो अभी हम जम्मू कश्मीर के रास्ते पे, हमारी जो है बस है, प्यारी सी बस है, इसमें हम आए हैं चल के पूरे हरियाणा से, अम्बाला से। तो अभी हमारा सफ़र एंड होगा जम्मू में पहुँच के। तो फ़िलहाल हमारा जो ड्राइवर साहब है वो यहाँ पर रुका हुआ है 10 मिनट के लिए, रोटी वोटी खा लेंगे हम। सी यू। और दोस्तों इसी के साथ अभी टाइम हो रहा है 4:10 और जो हमारी बस है वो फूड ब्रेक के लिए रुकी है, यानी हमारी बस यहाँ पे अब खाना खाने के लिए रुकी। जितने पैसेंजर थे वो सारे खाना खाने के लिए चले गए हैं और मैं जल्दी से आया हूँ, ब्लॉग की शूटिंग कर रहा हूँ। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मुकेरियम बस स्टैंड के बाद आता है एक टोल, और उसी टोल के जस्ट साथ ही पड़ जाएगा ये वाला ढाबा, हरियाणा रोडवेज की जितनी भी सारी बसेज हैं वो सारी बसेज इसी ढाबे से खाना खा के जाती हैं, और हमारी बस भी उसी ढाबे पे रुकी हुई है। मेरा आइडिया से 20 मिनट का होल्ड यहाँ रहने वाला है, देन उसके बाद हम अपनी जर्नी पर दोबारा से हो जाएंगे कंटिन्यू। दोस्तों मैंने आज तक काफ़ी ज़्यादा रोडवेज की बसों में बैठ के देख लिया, पर जो कंफर्ट मुझे हरियाणा रोडवेज में मिलता है वो कंफर्ट और कहीं नहीं मिल पाता। दोस्तों आपको कभी भी टाइम लगे और कभी भी मौका मिले तो हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल करना कभी ना भूलना, और जैसा कंफर्ट आपका रहा होगा वो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में बस जाने वाली है, खाना खुना खाते हैं और दन चल पड़ते हैं फिर से जर्नी के लिए। और दोस्तों इसी के साथ अभी अगर मैं पठानकोट की बात करूं तो 25-30 किलोमीटर की जर्नी हमारी बाकी बची है, यानी 100 किलोमीटर समथिंग हमने जर्नी कवर कर लिया, 25-30 किलोमीटर की जर्नी अब रिमेनिंग बची। और लगभग 20 मिनट की ब्रेक के बाद हम जो अपनी लंच ब्रेक थी वहां से निकल चले हैं। अभी हमारी बस यहां से रिवर्स हो रही है, हम देन जाएंगे टोल की साइड को, वहां से लेंगे यू टर्न और देन फिर जाएंगे हम पठानकोट। ठीक है, मैं चलता हूँ अंदर और अपनी सीट को कर लेता हूँ पिक और बैठ जाता हूँ अपनी जर्नी के लिए। अभी दोस्तों जो आपने पिछले क्लिप में आवाज़ सुनी वो आवाज़ थी अदनान भाई जी की। ये भाई जी कश्मीर साइड से रहने वाले हैं और इन भाई जी ने आज की जर्नी में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि जिस टाइम मैं जलंधर से बस में बैठा था मेरे पास बस फेयर देने के लिए किराया नहीं था, और मैंने भाई जी को देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की और देन उन्होंने मुझे कैश दिया था। तो भाई जी का मैं पूरी उम्र पर भारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। और एक दोस्तों काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, NH 44 पे जितना मर्जी ट्रैवल कर लो, मैंने भी कितने ट्रैवल किया, दिल्ली तक हो गया, आगे मथुरा तक हो गया, मुझे कहीं भी चढ़ाई या यानी अप हिल देखने को नहीं मिली, परंतु जब भी मैं इस लोकेशन पे आता हूँ तो यहाँ पे हमें एक खड़ी सी अप हिल देखने को मिलती है। जितने भी ट्रक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसी ही पॉइंट पर ख़राब होते हैं। लोकेशन की बात करूँ तो डमटाल से आगे और चक्की पुल यानी ढांगू पठानगढ़ बाईपास सिस्टम पीछे ही हैं। स्टेट की बात करूं तो NH 44 इस पॉइंट से हिमाचल को भी टच करता है। फिर जस्ट मेरे सामने रहा चक्की ब्रिज का व्यू जो कि सनसेट के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ हमारी जर्नी ख़त्म करने का टाइम भी अब आ चुका है।
क्योंकि अब हम उतर चुके हैं पठानकोट बाईपास पे यानी मलकपुर पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। और अभी बस चली जाएगी आगे जम्मू के लिए और हम यहाँ से चले जाएंगे डायरेक्ट बस स्टैंड पे। ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 5:10 पे हमें बस ने पहुँचा दिया था पठानकोट बाईपास। एक जनरल एस्टिमेट देखा जाए 3 आवर्स लग गए हमें जर्नी कवर करने के लिए, पर जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़्यादा औसम था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अगले ईयर कभी मेरे को मौका मिला तो मैं दोबारा से इसमें ट्रैवल करना कभी नहीं भूलूंगा। तो ठीक है, चलता हूँ, आपसे लेता हूँ अलविदा और आप जल्द ही मिलूंगा एक नए ब्लॉग में। 2-4 दिन हो गए मैं लगातार ब्लॉग शूट करते जा रहा हूँ और थकान इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। अब फाइनली जितनी ब्लॉग की सीरीज है वो सारी खत्म हो चुकी है, अब घर जाके फाइनली हम करेंगे रेस्ट। ठीक है, मैं लेता हूँ अलविदा और आपसे मिलूंगा एक नए ब्लॉग में और एक इससे भी अच्छे ब्लॉग में।